तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए, तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सबका, सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिल के काम करेंगे। रंजीता, जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है, आपको अफसोस है उस बयान को लेकर? क्या कहेंगे उस बयान पर अब? देखिए, अभी ये लीगल डिस्कशन है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूँ वो सोच समझ के उठाता हूँ। हाँ जी, नीरज। राहुल जी, अभी कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था, अभी उनकी मेंबरशिप री इंस्टेट नहीं हुई है। देखिए, सुन लीजिए। हाँ। राहुल जी सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता री इंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा, आपके लिए नहीं अपने लिए। रवि, एक मिनट रमन। हाँ। एक मिनट रमन, इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट, कौन जाएंगे? राहुल जी, मेरा सवाल, के यहाँ बैठे हैं। हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा धंधे का मामला है, लेकिन क्या धंधे का मामला? क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग, जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए, अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए, अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। हाँ सिद्धार्थ सर, राहुल सर, प्लीज मैडम, एक मिनट मैडम, आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अडानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अडानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है, मतलब इनके माइंड में देश अडानी है और अडानी देश है, बात समझिए। राहुल जी, हाँ सिद्धार्थ, राहुल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें हो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने यह भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि कम से कम जज को यह देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे, और आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है आपका? वही मैंने कहा
अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है, मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता।